दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम को बुरी तरीके से रौंदने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम पहुंची सीधा आईपीएल 2023 के फाइनल में और अब मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच में होगा आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला। आखिरकार गाइस आप भी चाहते हैं मुंबई इंडियंस की टीम अब की बार आईपीएल 2023 का खिताब जीते तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज आईपीएल 2023 का दूसरा क्वालिफाई मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला गया जिसमें मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन स्कोर पर लगाए 6 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा ईशान किशन ने 75 रन की तूफानी पारी खेली तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 65 रन का योगदान दिया, जबकि गुजरात टाइटंस की ओर से गेंदबाजी कराते हुए मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। लेकिन दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब गुजरात टाइटंस की टीम जब मैदान पर आई तो गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों के मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने परखच्चे से उड़ा कर रख दिए और गुजरात टाइटंस की टीम को मात्र 18.2 ओवर में 112 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा हार्दिक पांड्या ने 45 रन का योगदान दिया तो वहीं शुभमन गिल ने 35 रन का योगदान दिया और कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कमाल नहीं कर पाया। मगर दोस्तों मुंबई इंडियंस की ओर से गेंदबाजी कराते हुए आकाश मधवाल ने 4 विकेट चटकाए तो वहीं क्रिस जॉर्डन ने 3 विकेट चटकाए और इस मुकाबले को जीतकर आईपीएल 2023 के फाइनल में एंट्री पाली। दोस्तों ये तो एक प्रैक्टिस मुकाबला था जबकि असली मुकाबला आज शाम भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे से खेला जाएगा।